मेरे बाबा जान की सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उनकी इकलौती बेटी हूँ मैं। अपना हक मांगने में और किसी और के हक पे डाका डालने में बहुत फर्क होता है। कितनी चालाकी से तुमने वो जमीन अपने नाम करवा ली ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। कितनी हसीन लग रही थी ना वो, नजरों में ठहर गया उसका रूप, उसकी आंखें, उसकी आंखों में मोहब्बत थी, इजहार था, ख्वाहिशात थे, बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ सुनना चाहती थी। भाई साहब, हमारी रुतबा भोली और मासूम, उन लोगों ने उसे वर गलाया, वरना वो आपकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मशीदा, जो पैर फिसलने से दरिया में जा गिरे वो अगर दरिया को कसूरवार ठहराए तो ज्यादती होगी। रेत अगर पैरों के नीचे से फिसलती है तब इंसान जितना भी मजबूत हो लड़खड़ाता जरूर है। मैं अपनी बेटी के सिवा किसी को कसूरवार नहीं समझता। मैंने रुतबा को टूट कर चाहा है, सर्द गर्म मौसमों से बचाया, तमाम और उसकी फिक्र में गुजारी है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं। आशिका, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आप कर देंगे उसे अब उसके जायज कानूनी और शरई हक से, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप? मैं उसे जायदाद से आख नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर यही करूंगा क्योंकि मैं कुछ लोगों के असल चेहरे देखना चाहता हूं और रुतबा को भी दिखाना चाहता हूं। करीबी रिश्तेदारों को इतला कर दी है मैंने, सबको बुलाया है। जुमेरात की शाम यहाँ चराखा होगा, लेकिन मैंने दिल के बुझने की खबर किसी को नहीं होगी। ये चुराव गुल रहेगा, सिर्फ धुआं उठेगा, लेकिन घर के कोने कोने को सजा देगा ताकि रुतबा को एहसास हो कि उसका बाप असूल पसंद है लेकिन कहना हुआ नहीं। तुमसे बहुत बदतमीजी की, उससे मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ रुतबा, तुम झुकती हो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए। इस लड़की ने अपने जान छिड़कने वाले बाप के दिल की कोई परवाह नहीं की, उसे मेरे फटीचर दिल की क्या परवाह। बोलो क्या काम है? मेरी अल्तमिर से बात करवा दो प्लीज। ठीक है, बात करवा देता हूँ तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है मेरी।
कहो। तुम्हें जो बात करनी है करो, लेकिन मेरे सामने करो। तुम्हें शर्म नहीं आएगी मियां बीवी की पर्सनल बातें सुनते हुए? मैं गैर जरूरी बातों के लिए अपना दिमाग और कान बंद रखता हूँ। मुझे सिर्फ अपने मतलब की बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तुम अल्तमश का नंबर मुझे मिला कर दो, मैं उससे तुम्हारे सामने बात कर लेती हूँ। अगर तुम इतने ही बेशरम हो तो यूं ही ठीक। हालांकि आपको यकीन है कि जमीन के कागजात और रजिस्ट्री वही हवेली में? हाँ हाँ मेरा चंदा, मैनेजर निसार है, उसने मुझे बातों बातों में खुद बताया, और मैं भाई साहब के साथ कई मर्तबा वहाँ पे गई हूँ। ना सिर्फ जायदाद के कागजात बल्कि साजदा भाभी के खानदानी जेवरात भी वहीं पे महफूज है। अरे खाली जेवरात की कीमत 1 करोड़ रुपए। अब मैं बताता हूँ मामू को के दामाद कितने का। उन्हें लग रहा था कि सौदा काफी सस्ता कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? अल्तमश, ये मैं हूँ, खुशीद नहीं। रुतबा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम। लेकिन तुम खुशीद के नंबर से क्यों कॉल कर रही हो? मामू ने फोन फिर से ले लिया तुमसे? बाबा मुझे यहाँ हवेली पर छोड़कर खुद शहर चले गए हैं। जानता हूँ रुतबा, मैं जानता हूँ, मुझे सब खबर है। आए थे मामू यहाँ पे, हम सबको धमका के बुरा भला कह के गए हैं। वो ही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था कि बाबा ये निकाह वाली बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अल्तमश, बहुत ज्यादा। मैं बाबा से नजरें कैसे मिला सकूंगी? रुतबा, ये वक्त नजरें मिलाने का या डरने का नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करने का। तुम जानती हो कि मामू ने तुम्हें जायदाद से आग कर दिया। क्या? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही है, वो फैसला कर चुके हैं। मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, फैसला सुना के गए हो। मेहर अली हाउस से तुम्हें खाली हाथ रुखसत करेंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, बाबा मुझे आंख नहीं कर सकते। इसी यकीन की हाथों तुम्हारे गए हम, लेकिन तुम्हें पता है ना, मामू ने हमें सिखाया है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो फिर यूं ही सही, हम ये जंग जीत कर दिखाएंगे मामू को। रुतबा, जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनो, और तुम्हें अमल करना होगा मेरी एक एक बात पे। कागजात? कागजात नहीं है, सिर्फ जेवरात भी हैं, तुम्हारी मामा के जेवरात, जिन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रुतबा, तुम्हारी मामा ने वो तुम्हारे लिए रखे होंगे ना, बस तुमने किसी भी तरह से मामू के कमरे से वो जेवरात अपने पास लेके आने हैं। तुम सुन रही हो ना? मामू के कमरे की चाबी उनके मैनेजर निसार के रूम में है, तुम्हें किसी तरह से भी वो चाबी हासिल करनी होगी। रात को उनके सेफ से सारा सामान अपने कमरे में ले आना। तो मामू के पास हवेली जाने का वक्त ही नहीं होगा, वो शादी में मसरूफ होंगे, शादी तक उन्हें इस वाक्य का पता ही नहीं चलेगा। और उस शीत जैसे बेवकूफ इंसान के साथ तो तुम वो सारा सामान यहाँ पर लेकर आ सकती हो। तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। एक बार ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए ना रुतबा, तो मामू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अपनी हार माननी पड़ेगी उन्हें। अच्छा अल्तमश, मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज।
भाई साहब आपकी मेडिसिन। शुक्रिया नशीदा, खुदा तुम्हें खुश रखे। सायादार शजर हो तुम, तुम्हारी शाखें हमेशा हरी भरी रहे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे भाई साहब, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। रुतबा भी बच्ची है, उसकी नादानियों को दिल पे मत लिया करें। इन बच्चों के होने से ही घर में बहार है, अगर ये लोग चले जाएं तो खिजा है। जानता हूं रशीदा, लेकिन दिल के अपने ही तकाजे होते हैं। जिन्हें बेगरज चाहता है उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है, उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। उम्मीदें पूरी ना हो तो मुरझा जाता है उस पौधे की तरह जिसको तवज्जो ना दी गई हो। तुम माँ हो, माँ बड़ा सास और अनापरस्त होती है। चाहत अतात और परमाधारी चाहता है माँ बेगरज और ममता में मजबूत होती है। बाप अपने दिल के लिए बहुत संदिल और बेदर्द हो जाता है। खैर जाने दो, मैं तुम्हें भी खामखा परेशान कर रहा हूं, जाकर आराम करो। खुदा तुम्हारी नींद को हमेशा पुरसुकून और मुतमैन रखे। औलाद की खुशी नसीब हो तुम्हें। शुक्रिया ये मेडिसिन। रशीदा जूस लेकर आ जल्दी। सब खुदा का, अस्का मेरा तो शुगर लेवल लोअर है। कुछ करना पड़ेगा अस्का, कुछ करना पड़ेगा। अगर अल्तमश और सनोबर आपा अपने मकसद में कामयाब हो गए ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जाओ, इन भाई साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बाजिल खान वो नाग बनकर जायदाद पे बैठ जाएगा भाई साहब के, और अल्तमश तो हमारे हाथ से जाएगा ही जाएगा। नहीं मामा, मैं अल्तमश को किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती, मुझे उसका साथ चाहिए। वो तो रुतबा का हो चुका है, अब तो भूल जाओ अल्तमश को। आंख में जब तक जान बाकी होती है ख्वाब इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, कैसे भूल सकती है ये अल्तमश को। और तुम हर वक्त बहन की मुखालफत में बात मत किया करो, जाओ कमरे में जाके पढ़ो। मामा, मामू ने क्या किया था आपके साथ? मैं माजी की राख कुरेद के अपनी उंगलियां नहीं जलाती अस्का, आइंदा ये सवाल मत करना। मैंने तो सबका दिल जलाने की ठानी है। बहन की खुशियां नहीं देखी गई थी ना भाई साहब से, अब बेटी की खुशियां भी नहीं देखेंगे। आंखें महरूम रहेंगी इस मंजर से उनकी। भाई साहब का नंबर मिला के दो। क्या करने वाली हैं आप? जानती है ना कि अगर इस बात की भनक भी पड़ गई अल्तमश को या सनोबर खाला को, तो हम पे उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। दरवाजे बंद होंगे लेकिन हमारे ऊपर नहीं, रुतबा पर। नंबर मिलाओ, सुना नहीं? हाँ रौनक, खैर है? खैरियत ही तो नहीं है भाई साहब। कहो रौनक, सुन रहा हूँ। अल्तमश को मैंने अपने सामने रुतबा से बात करते सुना है। नामुमकिन है, रुतबा और अल्तमश की बात हो ही नहीं सकती। जवानी मूज़ और दरिया की तरह होती है भाई साहब, और दरिया के आगे कौन आता है भला? आगे बोलो रौनक। बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी है भांजे ने रुतबा को। आज रात को आपके लॉकर से जमीनों के तमाम कागजात और साजदा भाभी के सारे जेवर निकाल लेगी। बाप की दी हुई सजा बेटी को कबूल नहीं है, और दामाद ससुर की जायदाद से हाथ धोने पर राजी नहीं। खूब पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं रुतबा को, सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने।
मैं तो कहती हूँ भाई साहब, वो वक्त आ चुका है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की ऐसी चोट पहुंचाए कि सबको अपनी औकात याद आ जाए। रुतबा के तो पर काट डालें और अल्तमश का भी हिसाब साफ करते हैं। साजिशी टोले से अपनी बेटी को बचाने का यह वाहिद मौका है आपके पास, वरना फिर सारी उम्र पछताते रहेंगे। शुक्रिया रौनक, मशकूर हूँ तुम्हारा मैं। मजबूर हूँ मैं, अकलौती बहन से बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए राजदारी चाहती हूँ। उम्मीद है आप मेरा भरम रखेंगे। बेफिक्र रहो। शुक्रिया भाई साहब। अब आएगा मजा। मामू ने तो रुतबा का हुलिया ही बिगाड़ देना है। पता है, मैं तो सोच रही थी कि गुस्से में एक ही बार उसको गोली मार दें। किस्सा ही तमाम। अस्का, मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही रुतबा से हसद करती हो, उसके कपड़ों से, खिलौनों से, किताबों से, मामू की बेतहाशा मोहब्बत से और फिर अल्तमश की मोहब्बत से। तुम्हें हर बात पे रुतबा से जलन है। किसी की नफरत में इतना आगे नहीं चले जाते कि वापसी आने का रास्ता ही ना मिले। मेरी बात सुनो, अपने लेक्चर्स ना अपने पास रखो, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनकी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में किससे मोहब्बत करनी है और किससे नफरत। और फिर अपनी नफरत की मोहब्बत के साथ वही करूँगी जो लोग शिकार किए हुए शेर के साथ करते हैं। न जाने कब से ख्वाब देखता आया कि रुतबा मेरे लिए भी अल्तमश की होगी और मेरे अली की पूरी जायदाद और बैंक बैलेंस भी मेरी मुट्ठी में होगा। शाबाश रुतबा, तुम कर सकती हो एक काम और तुम्हें करना होगा। ये वक्त नजरें मिलाने का या डरने का नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करने का। तुम जानती हो कि मामू ने तुम्हें जायदाद से आग कर दिया और फैसला कर चुके हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हो। मेहर अली हाउस से तुम्हें खाली हाथ रुखसत करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए वहाँ पे हवेली में, वो तुम्हें रखने होंगे अपने पास। जेवरात भी हैं, तुम्हारी मामा के जेवरात, जिन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रुतबा तुम्हारी मामा ने वो तुम्हारे लिए रखे होंगे ना, बस तुमने किसी भी तरह से मामू के कमरे से वो जेवरात अपने पास लेके आने हैं। उनके सेफ से सारा सामान अपने कमरे में ले आना था। एक बार ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए हैं ना रुतबा, तो मामू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी हार माननी पड़ेगी।
आंखों को महसूस करना चाहते थे। देख लिया, अब ऐसा लग रहा है कि मैं मां के गले लगकर रोई, उनके सीने की खुशबू को महसूस किया है मैंने। चले गई माँ, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे क्यों छोड़कर अकेला चले गए आप? पापा मेरे दिल की बात कैसे समझ सकते? बेटी के दिल की बात तो सिर्फ भाई समझ सकते हैं। अगर आज आप होती तो मेरे साथ ये क्यों होता? सती नहीं होता, सती नहीं होता। माफ कर दीजिएगा बाबा, आपकी इजाजत के बगैर आपके कमरे में आ गए, पर मैं जाने से पहले एक बार, एक आखिरी बार अपनी मां के गले का हार और उनके हाथों के कंगन देखना चाहती थी।
की खुशबू को महसूस करना चाहते थे। देख लिया, अब ऐसा लग रहा है कि मैं माँ के गले लगकर हुई, उनके सीने की खुशबू को महसूस किया है मैंने। आप मुझे ये सेवर नहीं देना चाहते, ना दे। मैं उनकी खुशबू लिए जा रही हूं। खालू ने बुलाया, नाश्ते के बाद हम कराची के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, सामान रख लिया। कौन सा सामान? मैं तो खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जाऊंगी। हाँ तुम देख लो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो वो जरूर ले लेना, बाबा तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। आखिर अपनी सगी औलाद से ज्यादा जो चाहते हैं तुम। ये सुबह बहुत खूबसूरत है रुतबा, तुम्हारे इन दानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाश्ता करके बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी के पास वेट कर रहा हूं। मेहर अली खान की अकलौती औलाद हो तुम, अपनी खुशनसीबी पे फख्र करो रुतबा। तुम्हारी सोच उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकती जहां तुम्हारे बाबा खड़े हैं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा ये सब आंसू है जिन्हें मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकता। दिल में बहुत कुछ है लेकिन इस सब के बावजूद मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते की लाज रह जाए, क्योंकि कुदरत एक बाप को जो फर्ज सौंपती है उसमें सबसे आखिरी फर्ज रिश्ते की लाज निभाना है। बाप के कंधों पे इसका बोझ बेटी के जनाजे से भी ज्यादा भारी होता है, और अगर बेटी बागी हो ये वजन दिल को उठाना पड़ता है। अच्छा रुतबा, इससे रुख्सत होने की तैयारी करो, अलविदा कहने की भी जरूरत नहीं क्योंकि दिल से रुख्सत हो चुकी हूं। हाँ खुर्शीद, ये इनविटेशन कार्ड्स हैं। वैसे फोन पे तो सबको इतला करवा दी गई है लेकिन दुनियावी रस्में भी निभानी पड़ती हैं। ये कार्ड सब तक आज ही पहुंचाने चाहिए। जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह। वो एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ आपसे। इस वक्त नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जाके अरेंजमेंट्स देखो, वक्त बहुत कम है, जाओ। हालू लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आपके लिए जानना जरूरी है। खुर्शीद शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, जाओ। जी बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी है भांजे ने रुतबा को। आज रात को आपके लॉकर से जमीनों के तमाम कागजात और साजिद भाभी के सारे जेवर निकाल लेगी। बाप की दी हुई सजा बेटी को कबूल नहीं है और दामाद ससुर की जायदाद से हाथ धोने पर राजी नहीं। खूब पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं रुतबा को। साजिशी टोले से अपनी बेटी को बचाने का यह वाहिद मौका है आपके पास, वरना फिर सारी उम्र पछताते रहेंगे। ऐसा क्या कर दिया जो बाबा मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहते, मुझे सीने से लगाना दूर, मेरे सर पर हाथ तक नहीं रखना चाहते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, मेहर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें पलकों में बिठा के रखा है उन्हें,
और साजिदा के जाने के बाद तुम सिर्फ तुम्हें देखकर जीते हैं। नहीं, मैंने अपने बाबा का दिल तोड़ दिया है, मैंने उनकी इजाजत और उनकी मर्जी के बगैर अल्तमिश से निकाह करके अपने बाबा जान का दिल तोड़ दिया। मैंने अपने बाबा जान का दिल तोड़ दिया ना खाला। दिल तोड़ना तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, दिल टूटा सो टूटा, मगर तुमने तो उनका मान तोड़ दिया। बाप का मान माँ की ममता से ज्यादा एहसास होता है। मान टूट जाए ना तो बाप टूट जाता है, और टूटे हुए शख्स से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को समेट रहा होता है। अरे आज जा रही हूँ इस घर से, अगर वो सर पे मोहब्बत और शफकत भरा हाथ रख के मुस्कुरा कर रुखसत कर देते, खाली हाथों से शिकायत नहीं है खाला, खाली दामन से है, जिसमें अब बाप की दुआएं भी नहीं। ये बाप बेटी का रिश्ता है, अगर इसमें अना और जिद आ जाए तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता, ना कोई शिकवा ना ही कोई शिकायत ठहरती है। बस रिश्तों की चमक बाकी रह जाती है, अब वो भी इंशाल्लाह तुम जरूर देखोगी। अभी तो तुम्हारे मुस्कुराने के दिन है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ।